बेलपत्र के इन उपायों से होगी मनोकामना पूरी। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ऐसा करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है, इसलिए जलाभिषेक के समय बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। तीन पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करने से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। एक बेलपत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करें चिकनी तरफ से ही करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। विवाह के योग के लिए बेलपत्र का प्रयोग अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखे नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाए। जब बेलपत्र चढ़ा ले तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग सावन में विशेष फलदायी होता है। स्वास्थ्य के लिए बेलपत्र का प्रयोग सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लें। एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाए और शिवलिंग पर अर्पित करते जाए। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जुस सह कहे। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें।